12th क्लास में कितने मार्क्स आए थे? मुझे 58% आए थे। 89। Sorry guys, I'm so sorry, I'm so sorry. थोड़ा सा हो रहा है मुझे, कॉम्प्लेक्स हो रहा है इस वक्त। Please don't hate me guys, I'm so sorry. नहीं ठीक है। फोन लाइए सर का और मैम का भी, मैम का भी ले आइए। इस टेबल पे बैठ के ना मुझे अपने कॉलेज और स्कूल की याद आ गई, ऐसा मैंने विक्रांत को बोला यहाँ पे। विक्रांत आपको भी ऐसे ही लगा ना? बिल्कुल सर, पहले दिन जब मैं आया था ये टेबल देख के मुझे मेरे स्कूल की याद आ गई। हाँ यार, इट इज सच अ ब्यूटीफुल टेबल ना, मतलब इसमें एज है, इसकी अलग ही कहानी है, ये कुछ कुछ जी चुका है, ऐसे देख के लगता है कुछ जी चुका है एक्चुअली। बिल्कुल ये कॉलेज वाली वाइब दे रहा है और मुझे लग रहा है कि यार मेरा फ्रेंड यहाँ बैठा है और हम थोड़ी बातें कर रहे हैं, बातें मैं शेयर नहीं कर सकता बट ठीक है। सो हाय गाइज, मेरा नाम जतिन है और ये फीवर 104 FM है और ये 12th फेल के स्टार कास्ट। विक्रांत भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप? सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताओ कि एक क्वेश्चन है, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं उसका आंसर नहीं दे सकता, मेरी रूह कांप जाएगी, आत्मा निकल जाएगी। मुझे लगता है कि तेरे 12th क्लास में कितने मार्क्स आए थे आपको बताना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। सर मुझे 58% आए थे, वक्त ज़्यादा मिलता नहीं था तो जैसे तैसे करके मतलब एग्जाम में अपेयर कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है। बट आपके अच्छे मार्क्स आए 58। आपको सच्ची बता रहा हूँ। आपके कितने हैं? मैं नहीं बता सकता, यही तो मेरे से पूछो, मेरी तो रूह कांप जाती है। आपके कितने हैं? 89। सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा हो रहा है मुझे, कॉम्प्लेक्स हो रहा है इस वक्त। प्लीज डोंट हेट मी गाइस, आई एम सो सॉरी। नहीं ठीक है। मूवी में मैंने 2 गाने बोलो ना एंड रीस्टार्ट जी, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, ये नहीं पूछूंगा। अरे वाह, करनी है गा के, अगर आप सुना सके तो आप शुरू करिए, जो भी आपको प्लीज प्लीज हो जाए तो मेहरबान कर दो प्लीज। जो आपने करा यार, इतना परफेक्ट सुर मुझे ऐसा लगा मैंने थोड़ा सा सीखा है क्लासिकल। अरे वाह वाह यार, सर आपको भी गाना पड़ेगा फिर। हम गाने प्ले कर रहे हैं ना सर रेडियो में, तो गा नहीं सकते, हम सुना रहे हैं। क्या बात है। बट रैप और बोलो ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सही है गाना जी। आप भी थोड़ा? मेरा रीस्टार्ट है सर, हम करना है गाना है, आपको जो अच्छा लगे। मैं गाना चाहता हूँ। कनपट्टी खो जाके बीती रात, रास्ता ना देखे कोई आज, बत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे, बोर्ड उलट दे, फिर बाजी ले अपने हाथ। रीस्टार्ट, वो रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, क्या बात, रीस्टार्ट। वो मुझे लग रहा है इंटरव्यू नहीं ऑडिशन था, सारे कंपोजर्स देख लो ये गाना गाते और रैप करते हैं, बहुत ही सही। रियलिटी शो में एक मौका तो मिल ही जाए। आपको खाना बनाना आता ही होगा? ऐसे क्यों आता ही होगा? ऐसा मुझे इसलिए क्योंकि जब ये ट्रेलर मैंने देखा, बच्चे बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो अपने वो थोड़ी बहुत लाइफ जी है तो वो खाना खुद ही बनाते हैं, तो आता होगा। मैं बड़ौदा में था 2007-08 में, टीवी कर रहा था, धर्मवीर नाम का एक शो था। यस यस यस। तो वहाँ पे ना बड़ा डॉम कल्चर टाइप था। जो हमारे प्रोड्यूसर्स ने जो भी सेटअप लगाया था, वहाँ पे रूम शेयरिंग होती थी, तो वहाँ पे हम जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन पे दाल चावल या जो भी बेसिक चीजें होती हैं वो हम बना लेते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मैं बनाता हूँ वो मैं ही खा सकता हूँ। सर मैं भी खा सकता हूँ, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल डन है, आप बस मुझे इनवाइट करो, जब ना जाए यार घर मैं आ जाऊंगा, कुछ मैं बना के ले आऊंगा, कुछ आप बना के ले। बिल्कुल हो जाए, पॉटलक करते हैं। बहुत बढ़िया, पॉटलक करते हैं। और मैंने ना कुछ क्वेश्चंस लिखे, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा टाइम मिले आप लोगों के साथ, बट एक क्वेश्चंस लिखे, वो क्वेश्चन वो हैं जो यूपीएससी के एग्जाम्स में आए थे। ओह माय गॉड, अब मैं यहाँ पूछूंगा। थैंक गॉड समय नहीं है पर ये पूछ रहा हूँ। ओह माय गॉड, नहीं कुछ नहीं होगा, इट्स ओके। करते हैं शुरू, ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। व्हाट लुक्स लाइक हाफ एप्पल? द अदर हाफ। मेरी बोलती बंद कर दी यार, बहुत ही सही, वाओ थैंक यू भाई। मैंने क्वेश्चन देख के मेरे को नहीं समझ में आया था कि इसका आंसर क्या है, मैं तो सोचना शुरू भी किया था, इन्होंने जवाब दे दिया। 89%। ऐसे ही तो वजह, कोई तो वजह। अरे कैन यू नेम 3 कंसेक्यूटिव डेज विदाउट यूजिंग द वर्ड्स वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। अच्छा लग, आप बताओ। नहीं, yesterday, today, tomorrow। आपने प्रिपरेशन करी थी क्या? अरे मुझे क्या, नहीं अरे इतनी मेरी कोई वो नहीं है। ये मैं भी, वाओ अरे बहुत ही सही। ट्विंस Anant and Anshuman, ठीक है? Twins Anant and Anshuman were born in May, but their birthday is in June. How is this possible? चलो कहीं तो थोड़ा सा मैं अटकी, नहीं तो मैं तो इतनी इंटेलिजेंट बन गई थी एकदम यार। क्या है भाई ये? मे इज द नेम ऑफ द टाउन। ओह लास्ट क्वेश्चन। हां जी सर, थैंक गॉड। इस इसका लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी का। जेम्स बॉन्ड वाज पुश्ड आउट ऑफ एन एयरप्लेन विदाउट एनी पैराशूट, ही सर्वाइव्ड, हाउ? दैट एयरप्लेन वाज लैंडेड ऑन द ग्राउंड। मैं बड़ा खुश हुआ आपने आंसर दिया, मैं सच्ची बता रहा हूं मैं वेट कर रहा था लड़का कब आंसर देगा भाई हमारा। काफ़ी लोग ये पूछते हैं मेरे से कि आप जब स्टार्स के इंटरव्यूज लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ पी रहे होते हैं, कोई कप होता है, उसमें क्या होता क्या है? कॉफी है, चाय है, दूध है क्या? वो दिखाई जरा क्या है, क्या है वो? उससे वो जो चेहरा चमक रहा है, ये तो कुछ इलीगल टाइप लग रहा है। देखो आपने बैकस्टेज एक्सेस दिया, आपको बताना पड़ेगा। सर कॉफी है सर। मेरा ये है कि सुबह उठ के मैं कॉफी पीता हूँ। ओके। शाम का प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने कहा साइकोलॉजिकल ब्लॉक है, 7 बजे के पहले मुझे कॉफी पीनी है। तो डेट पे जब जाते थे तो 7 बजे से पहले जाते थे या सर डेट पे जब जाते हैं तो कॉफी थोड़ी ना पीते हैं। इसके बाद मुझे क्या बोलना, मुझे सैड सैड फॉर मी। विक्रांत, फोन है आपके पॉकेट में? नहीं सर। कहाँ पे है फोन आपका? फोन मेरा मेरे किसी चीते के पास होगा। ओके आप एक बार फोन मंगवाओ ना, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। ठीक है फोन लाइए सर का, और मैम का भी। मैम का, मैम का भी ले आइए। आपके हाथ में फोन है जी, इसको स्विच ऑफ कीजिए। हाँ बिल्कुल मैं कर देता हूँ स्विच ऑफ। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ जी। रीस्टार्ट कीजिए। अरे यार अभी तो टाइम लगेगा इसको, मेरा फोन बहुत पुराना है। कोई बात नहीं, रीस्टार्ट करो। अच्छा इस तरीके से मैंने रीस्टार्ट को थोड़ा सा इंटीग्रेट करा है, बट रीस्टार्ट करो। अरे यार खराब हो गया। हाँ मेरा हो रहा है, मेरा थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया, चालू हो गया। ठीक है स्टार्ट हो गया ना? हो गया हो गया। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा? मुझे 30 सेकंड। 30 सेकंड, 40-50 मैक्सिमम जी। यार हमें जब फोन को रीस्टार्ट करने में 50 सेकंड लगे हैं, तो हम लाइफ में अपने आप को रीस्टार्ट क्यों नहीं कर पाते हैं जल्दी? हम इतना सोचते क्यों हैं कि यार मैं करूंगा, और करते करते एक दिन रियलाइज होता 5 साल हो गए। व्हाट डू यू वांट टू से? आई जस्ट वांट टू से कि जस्ट टेक दैट लीप ऑफ फेथ यार वो। और पता है, और ये मैं क्योंकि मैं खुद अपने निजी जीवन से आपको मैं उदाहरण देके कह सकता हूँ कि कई बार मैंने भी शायद चीज़ों को वक्त पे नहीं किया, या ऐसा लगा कि, और वो रेट्रोस्पेक्ट में लगा कि यार क्या मैं इतना सोच रहा था। वो लीप ऑफ फेथ आप लेंगे ना, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, गारंटी देता हूँ, यू विल लुक बैक एट इट एंड यू विल लाफ एट इट। यू विल लाफ एट इट। जस्ट टेक दैट लीप ऑफ फेथ। व्हाट डू यू वांट टू से? आई वॉन्ट टू से कि लाइफ में सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए मेरे हिसाब से, सेल्फ बिलीफ और करेज। ये 2 आप ढूंढ लो अपने अंदर किसी तरह और बस लग जाओ, क्योंकि क्योंकि दूसरे आप में नहीं बिलीव करेंगे ये मान के चलिए, तो खुद को वो दे दो और एक करेज ढूंढ लो और आप कर लोगे, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। तो जितनी जल्दी बेसिकली फ़ोन रीस्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है कि आपको भी कर देना चाहिए। ये मैं खुद को भी बोल रहा हूँ क्योंकि हम काफ़ी चीज़ों में अपने आप को बांध के रखा बिल्कुल, तो वो अभी भी है। जाते जाते मुझे बताओ, एक्सेस आपकी लाइफ का थोड़ा सा मिल गया है ना मुझे? बिल्कुल। घर कब बुला रहे हो? पॉटलक कब है? बिल्कुल अभी हम करते हैं, बात करते हैं, पॉटलक करते हैं। बोल रहे हो कैमरे पे? आप अगर फिल्म देखेंगे, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, आप फिल्म देखेंगे, अगर आपने फिल्म देखी है तो मैं आपको बाई द एंड ऑफ दिस मंथ पॉटलक पे घर बुला रहा हूँ, और मैं कैमरे पे कह रहा हूँ। यस डन। ठीक है, बट थैंक यू सो मच। लवली चैटिंग, लवली चैटिंग, थैंक यू सो मच।